बोले राम जी महाराज की, सतगुरु जी महाराज की, रामदास जी महाराज की, सुरजनदास जी महाराज की, पधारे सभी संतों की, भारत के ऋषि मुनि अवतार की, बोलो राम। अखिल ब्रह्मांड नायक सतगुरु जी महाराज के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, रामदास जी महाराज के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम, यहाँ के मैं श्री एजाराम श्री सुजनदास जी महाराज के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम, दूर दराज से पधारे सभी संतों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। बहुत बड़ी बात है कि मानव जन्म मिले हो, इस बात को हम सोचते हैं समझते हैं, लेकिन वास्तव में बहुत बड़ी बात ये ग्रहण नहीं करते। मैं देखूं आयु पांडाल भरेड़ो धोम दिवचाल करे, घर अटीजे गांव अटीजे देश अटीजे संसार अटीजे, लेकिन आप रहे नाड़क बनिया, लेकिन हम लोग रहने वाले ये यही रहेंगे। कोई ये माया मात्र जितनी भी करेंसी बनी होगी एक अंका चीज अटीजे अपना जन के यार के दिया, लेकिन मानव जन्म बड़ो अनमोल है, ये बात ने आप ग्रहण नहीं करा, सब मोटी बात है। दो मिनट लिए राम राम कह रहा, एक राम नाम में कितनी ताकत है बाबा जी बताओ। मैं आपने राम राम बोलो भाई सते नाम बोलो।
कौन? ऐसे महापुरुषों ने बताया कि वे संतों का समागम करो, सबका यज्ञ करो, सात दिन राम राम करो, संतों का सत्संग सुनो, तो ये कुष्ठ रोग मिट जाएगा। वैसे ही राजा ने किया, नैमिषारण्य में गंगा के किनारे जाकर के सभी संतों को न्योता भेजा। उस समय के जो भी संत थे, कबीरदास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई देवदास जी, सभी को इकट्ठा, तो उन्होंने कबीरदास जी को भी न्योता भेजा। कबीरदास जी के पास गए तो उन्होंने कहा, उस दिन में एक दूसरी जगह जा रहा हूँ, वहां नहीं आ सकता, ठीक है, मेरे प्रतिनिधि के रूप में किसी को भेज दूंगा। उन्होंने अपने बच्चे कमाल को भेज दिया। तब कमाल जी वहां पहुंचे तो ऐसे ही जमावड़ा लगा हुआ था, सब संतों का जोड़ता। जिस राजा को कुष्ठ रोग था वो गंगा में स्नान कर रहे थे। कमाल जी ने पूछा, भाई साहब ये सत्संग किसकी तरफ से है, किसने रखा है, क्या प्रयोजन है इसका? तो राजा ने कहा, मैं फला देश का राजा हूं, मेरे को ये कुष्ठ रोग हो गया है, और ऐसे महापुरुषों ने, सुरजनदास जी ऐसे महापुरुष पधारे, स्वामी जी का नाम भूल गया, चंद्र स्वामी जी महाराज, चंद्रराम जी महाराज पाचंदा, ऐसे विद्वानों ने बताया कि संतों का समागम, कबीर दर्शन संत के बड़े भाग सराय, जो सजा हो गए सूली की कांटा से टल जाए। अगर सूरी का हुक्म भी हो जाता है ऐसे महापुरुषों का दर्शन, तो रस्ते में कट्टा चुप करके भी वो सजा वही पूरी हो जाए। कमाल जी ने कहा, बड़े दुख की बात है, आपने एक ला रिपोर्ट फोटो इतना संतान परेशान कर दिया, गलत बात है, तो क्या किया जाए? मेरे पास उपचार है, दवाई है, मेडिसिन है, मैं आपको देता हूँ, तुरंत कंप्लीट हो जाओ। ठीक बात है, बता दीजिए महाराज, एक बार राम जी नाम ले, कितनी बार? एक बार। देखो संसार में है, कब खुशी हो रही है, कोई कहेंगे मैं थाने बताऊं राम जी, कोई कहेंगे मैं थाने बताऊं राम जी, और एक राम जी का नाम सिवाय संसार में तिरवारों और कोई साधन दूसरो है ही नहीं। एक राम जी रो नाम वेद के में तीन नाम है ब्रह्म के, कितना नाम है? चौथो नाम है ही जो ना, खाली बेवकूफ बना दुबना। तीन नाम है ब्रह्म के, ओम सोहम राम, इष्ट भेद से जपत है भई न्यारे न्यारे नाम, ज्ञानी सोहम केत है ध्यानी ओमकार, भगत रटे राम राम तीनों एक आधार। कबीर साहब, कबीर आप राम कहे और राम कहावे, कभी साथ नहीं राम राम, तो दूसरों को कहते और राम, दूसरों को कहते तुम भी राम राम बोलो, और जामुक राम ने उचरे तामुक फेर के, बीजक का श्लोक है इसका, कभी साथ नहीं देंगे, जामुक राम ने उचरे तामुक फेर कहा है। कमाल जी ने कहा, एक बार राम जी नाम लेनो, एक डुबकी लगानी और ये राजा तेरा कुष्ठ रोग। लेकिन राजा को देह का अभिमान था, किसका? शरीर से प्यार था। डुबकी लगाई, नाक बंद करी, राम जी का नाम बोला, लेकिन कुष्ठ रोग। कमाल जी को थोड़ा थोड़ा गुस्सा आया, उन्होंने कहा, एक राम जी का नाम फोकट में गमाई तो ठीक बात थी, दूसरा राम जी का नाम लिया, फिर डुबकी लगाई, लेकिन राजा को राजा भाव था। आठ प्रकार का मदरे, जाति रो मदरे वे, ज्ञान रो मदरे वे, पैसा रो मदरे, जमीन रो मदरे, भूत रो मदरे, विद्या को मदरे, पद का मद होता है, इस प्रकार आठ मद होते हैं। ममते है जो तू मानता सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप इसके पुत्र है, सब पाप का ये बाप है। शरीर को शरीर मानना सबसे बड़ा पाप है, है? ममते है जो तू मानता भाई देह से तू अन्य है, हे माल से मालिक जुदा ये बात सबको मान्य है। राम द्वारा सुरजनदास जी जो है, इरा मालिक सुरजनदास जी है, लेकिन राम द्वारा सुरजनदास जी नहीं है, राम द्वारा अलग है, सुरजनदास जी अलग है, इसलिए मालिक अलग है, माल अलग है, ये
शरीर अलग है, शरीर में रहने वाले आत्मराम अलग है। कबीर साहब के पुत्र पुतुल कमाल जी ने कहा, दो राम जी का नाम फोकट में गमा के भाई ये बात मेरे को मंजूर नहीं। तो पाक से नदी के किनारे से डंडा उठाया, सावधान, तीसरी बार उन्होंने राम का नाम लिया, एक बार राम अब सावधान से ले लेना। तो जैसे ही उनका थोड़ा सा सिर बाहर रहा पानी से और तपाक से डंडे की मारी, तो राजा का राजा भाव और अंतःकरण से निकला राम और राजा का कुष्ठ रोग गायब खत्म हो गया। कमाल जी पधारे कबीर साहब के पास, दंडवत प्रणाम करिया, परिक्रमा करी, दंडवत प्रणाम किया, स्वामी जी तीन राम जी के नाम में एक कोटि रुकूट खत्म। कबीर साहब बहुत खिंचवाए, गुस्सा हुए, उन्होंने सोचा शाबाशी देंगे, इनाम देंगे, कोई गिफ्ट देंगे, फिर वो तो डांट रहे, फटका रहे, लड़ाई कर रहे, इससे क्योंकि तीन राम जी उस परमात्मा के तीन नाम और एक पुष्ट का पुष्ट मिटाया, तूने गलत किया, मेरे राम नाम का दुरुपयोग किया। तो राम जी का नाम नहीं जानता है, तुलसीदास जी के पास चला जा। जैसे तुलसीदास जी के पास आए, परिक्रमा करी, दंडवत प्रणाम किया और सारा ही वर्तान सुनाया। सुनते ही तुलसीदास जी ने कहा, इस पाली शहर में जाओ और सभी जितने कुष्ठ रोगी है उनको बोलो सुरसनदास जी के रामद्वारे में सुबह दवाई देंगे, तुम्हारा कुष्ठ रोग मिट जाएगा। जैसे सारे आए तो गांव उस नगर में 400 कोटी मिले, कितने कोटी 400। सुबह आ गए रामद्वारे में, सुरसनदास जी महाराज ने एक तुलसी का पत्ता लिया, एक राम नाम लिखा और सिलबट्टे पे घिस दिया और उसको एक पानी की मटकी मिला दी और सभी को सुबह चरणामा दे दिया। महाराज जी मंत्र पढ़ रहे हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्यादि विनाशनम विष्णु पादोदकम पितवाशीषो धारयामि हम पुनर्जन्म न विद्यते, ऐसा कहते ही सबको चरणामा दिया, 400 कोटि का कोट खत्म। कमाल जी की आंखें खुल गई, कमाल जी वापस आए गुरु जी के पास, परिक्रमा करी, दंडवत प्रणाम किया, गुरु जी आई एम वेरी वेरी सॉरी, मेरी गलती है, मैं जब राम नाम की महिमा नहीं जानता, अभी भी तेरे को राम नाम की महिमा का पता नहीं है। सूरदास जी के पास चला जा, गंगा के किनारे भगवान कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। जैसे सूरदास जी के पास पहुंचे, थोड़ा वर्तान सुनाया, साधु तो त्रिकालदर्शी होते सारी बात समझ गए, अरे कमाल दौड़ दो, यमुना नदी में कोई मुर्दा बहता जा रहा है, उठा के लेके आ जा। कमाल जी ने विचार किया, अरे सूरदास है, आंध आंध में ध्यान है, मुर्दो जावे लकड़ी लो, घट्टो जावे कहीं नहीं जा, लेकिन अपने संतारो वचन काटनो नहीं। वो दौड़े गए और मुर्दे को उठा के ला करके संतों के सामने धर दिया और सूरदास जी ने पूरा राम नहीं बोला, रा, अरे सजनो, मुर्दा उठ करके दौड़ने लग गया। इस राम नाम की महिमा है और हम तो उस राम नाम के दीवाने, इस देश में जन्म लिया जिस देश में भगवान राम ने जन्म लिया है। सतसंगत मानुष जन्म और भरत खंड अवतार, प्रथम तो मनुष्य जन्म होगा नहीं, बड़े भाग मानुष तन पावा, अरे सुर दुर्लभ सब कंथन गावा, सुर के देवता ने वे भी तर से कभी मिने जमारो मिले, वो भी भारत में, अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, उधर किधर नहीं, ओनली फॉर भारत, और वो भी भारत मनुष्य जन्म होना और भारत में होना और तीसरा सत्संग मिलना, ऐसो अवसर सिमर था मिली न दो जीवा, ऐसा अवसर बार बार आने वाला नहीं है। क्यों नहीं बोलते हो? नारायण 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 बोलो, yeah।
आप में से अस्पताल कौन कौन गया हुआ है? सभी देखो वहां जवान देखे होंगे, बुड्ढे देखे होंगे, बच्चे देखे होंगे, जो अब तक पृथ्वी में नहीं आया है उसको भी देखा होगा। माँ के घर में वो मेवा पहुंच गया, साधु संत भी अब धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं। पहले योग करते थे, अब थोड़ा तो कोई उठे गतराड़ा लगी और देखते रहे हाट मारे भूतोड़ो ड्रिप चढ़ा उतोड़ो पर्ची कट्ठा उतोड़ो। तो वह हाथ खड़ो करो, मैंने देखा क्यों नहीं जाते, कारण वो भी मानो भगवान की कृति है, नहीं जाते कारण बीमार बहुत कम पड़ते, उसका कारण वो रोज ताली बजाते। तो हाथों में ऐसे पॉइंट आते हैं, पॉइंट टू मारवाड़ी के पॉइंट टू पॉइंट में दबाव पड़ जाने खून रो दड़ो बराबर आ जाए। हिंदी में के रक्त संचरण और अंग्रेजी में के ब्लड सर्कुलेशन, जब पॉइंट का पॉइंट पर दबाव पड़ेगा तो ब्लड सर्कुलेशन। बोलो मैं पैसा लिए ताली बजाओ ना बीमारी नेड़ी नहीं आवे, ता परमात्मा लिए ताली बजाओ ना कहीं बीमारी नेड़ी आवे ना। बात का अभिमान है, जारे मानस जन्मे
हमें 80 किलो वजन हो और जारे मांस मरी हो जाए आणि माटी मा पण 80 किलो वजन होय વધારે નથી થતું પાતો કો ભાઈ આજ મારવાડી ગયો થઈ ગયો बच्चा जब जन्मता है उसमें 2.5 से 3 किलो के बीच वजन होता है और जब वही मानो 60 किलो 80 किलो 120 किलो 150 किलो भी अगर मर जावे तो उसकी दाह संस्कार के बाद उसकी मिट्टी में 2.5 किलो वजन ही होगा ज्यादा नहीं होवे। अरे श्याम श्रेष्ठ नो सर्जन आप एने तेने ओळख्यो नथी नारियल का जो वृक्ष होता है बहुत ऊंचा होता है 40-35 फीट की हाइट होती है आना फल में प्रभु त्रण नेत्र बनाईवा कितनी आंखें बनाई तीन अरे आंखा पानी ना पूर्ण हाल एने तेने ओल क्यों नथी सुजनदास जी महाराज राम गौर 10 फीट 12 फीट 15 फीट ऊंच रेला इन माते टंकी टंकी में पानी पहुंचा और लिए मोटर अगर लाइट नहीं आवे तो बाल्टी द्वारा या ऊपर जान बाल्टी ने खींचनी पड़े तो पानी पहुंचे लेकिन वो 30-35-40 फीट ऊपर पानी और वो पानी कैसा भातरा नहीं विश्व के डॉक्टरों द्वारा रिसर्च किया हुआ जब सारी दवाएं फेल हो जाती तब कहा जाता है नारियल पानी पिलाओ इसको तो सारी पोषक तत्व उसमें इस्तेमाल होते उसके छेद नहीं मोटर नहीं कोई के लाइट कनेक्शन नहीं किसी प्रकार का आवागमन का साधन नहीं फिर भी पानी इसमें 0.5 लीटर इसमें 1 लीटर इसमें 1.5 लीटर और उसकी सेहत ही देखो आपकी कंपनियां प्लास्टिक की बिस्लरी बोतल बनाती कोई तांबे की बनाने लगे स्टील की बोतलें बनाने लगे प्लास्टिक बोतल मान लो एक दो ठोकर ही रहे तो टूट जाए लेकिन उसकी बनाई हुई बिस्लरी बोतल अगर कन्याकुमारी ठोकर दिया बोला जम्मू कश्मीर तक ले जाओ नहीं ठाकुर पानी मांग दो अरे श्याम श्रेष्ठ नो सर्जन आप एने तेने ओर क्यों अरे कीड़ी का आंकड़ा प्रभु केवी रीति कड़िया कीड़ी देखती भी है खाती भी है पीती भी है प्रजनन भी करती है उसके पलिहा आमाशय लीवर यकृत सारी सिस्टम होते हैं नहीं होते मान लो कीड़ी रो एक पग टूट जा फ्रैक्चर में जाए एक्सीडेंट में और मान लो जितनी रहा डिग्रिया की तरह डॉक्टर है अनके इधर प्लास्टर से डाउन हो अरे कीड़ी ना आम पर प्रभु के निधि गया આવી ઝીણી ગરણહાર એને તને ઓળખ્યો નથી શ્યામ શ્રેષ્ઠ નો સજનહાર એને તને ઓળખ્યો નથી ત્યારે સજનો પરમાત્મા સુધરણા જઈ રહ્યા